अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस सीज़न में मेरे पास 14 बच्चे उसके आए जिसमें पार ब्लू भी थे, ग्रीन भी थे, ब्लू सीरीज़ में भी थे, और मैंने जितने भी सारे रोके सिर्फ पार ब्लू के 2 पीस मैंने सेल किए। तो जब इस बार मुझे वो पेयरिंग चेंज करनी पड़ी उसकी, तो जब वो उसका रिज़ल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार ब्लू। फिर मैंने जो उसके चिक्स रोके हुए थे वो उनको जब पेयरअप किया ब्लू फिशरीज के साथ टेस्ट ब्रीड के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे कन्फर्म ब्लू हुए। तो मेरे पास 9 पीस थे वो जो चिक्स थे मेरे घर के जी, और वो फीमेल मेरे पास तो टोटल 10 पेयर बने ब्लू के, जिनको मैं पेल सेल में भी ले गया और फिशरीज में भी ले गया, ऑफलाइन में भी ले गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़ बर्ड ऑफिशियल में खुश आमदीद। व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िलो मंतशा। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम फैसलाबाद में ऐसे सेटअप पे मौजूद हैं जिस भी बर्ड्स के ऊपर ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, ब्लू फिशर या ग्रीन फिशर जिस भी बर्ड पे नज़र जाएगी तो वो ब्लू टू होगा। तो चलें आज से भाइयों से पूछते हैं कि इन्होंने ब्लू टू पे इतनी अच्छी गिरफ्त कैसे की। हैं हमारे फहीम भैया, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, आप सुनाएं ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सर हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि जो भी बर्ड आपके माशाल्लाह फ्लाइट में है, आपके एवरी में मौजूद है, ग्रीन और ब्लू है, ब्लू टू कैसे है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है माशाल्लाह। तो मैंने एक पीस ब्लू टू का जो ग्रीन ऑफलाइन में मैंने ना परचेज़ किया था पीस एक, सही, तो वो मुझे भी नहीं पता था, जिनसे मैंने वो परचेज़ किया उनको भी नहीं पता था ये ब्लू टू है जी। और फिर कुदरती उसकी जो पेयरिंग है वो पार ब्लू के साथ हुई जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस सीज़न में मेरे पास 14 बच्चे उसके आए जिसमें पार ब्लू भी थे, ग्रीन भी थे, ब्लू सीरीज़ में भी थे, और मैंने जितने भी सारे रोके सिर्फ पार ब्लू के 2 पीस मैंने सेल किए। तो जब इस बार मुझे वो पेयरिंग चेंज करनी पड़ी उसकी, तो जब वो उसका रिज़ल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार ब्लू। फिर मैंने जो उसके चिक्स रोके हुए थे वो उनको जब पेयरअप किया ब्लू फिशरीज के साथ टेस्ट ब्रीड के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे कन्फर्म ब्लू हुए। तो मेरे पास 9 पीस थे वो जो चिक्स थे मेरे घर के जी, और वो फीमेल मेरे पास तो टोटल 10 पेयर बने ब्लू के, जिनको मैं पेल फैलो में भी ले गया और फिशरीज में भी ले गया, ऑफलाइन में भी ले गया माशाल्लाह, और सिलेक्टिव मिस्ट्री दोनों में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑफलाइन में ना ब्लूटूथ की वर्किंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, और अल्लाह पाक का करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आई ब्लू जबरदस्त। इस सीज़न आपने कितने ब्लूटूथ प्रोड्यूस करवाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 65 मेरे पास 6 ब्लूटूथ के कन्फर्म माशाल्लाह, उसमें ऑल राउंडर ब्लूटूथ मतलब के ऑफलाइन में भी, पेल फैलो में भी, सिंपल में भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह फिशरीज में भी आए और मेरे पास ऑफलाइन में भी हैं और स्प्लिट पेल फैलो में ब्लूटूथ भी आए जबरदस्त। और हमारे व्यूअर्स के लिए अब आपके पास कितने ब्लूटूथ और कौन कौन से अवेलेबल है? मेरे पास तकरीबन कुछ 35-1 पीस पड़े हुए हैं ब्लूटूथ के माशाल्लाह, जिसमें ऑफलाइन भी हैं, स्प्लिट ऑफलाइन भी हैं, और स्प्लिट पेल फैलो नहीं है, वो सारा सेल हो चुका है जबरदस्त। वो तो हाई डिमांड बर्ड है ना, तो वो तो टिकटों की तरह ऐसा ही है। तो अब हमारे व्यूअर्स को आप वन बाई वन बर्ड विजिट करवाएं कौन कौन से? जी ये अब सब सारा मेरा जो है ना ये ब्रीडर है सारे पीस, इसमें जितने ब्लू और ऑफलाइन है वो सारा ब्लूटूथ है, स्प्लिट ऑफलाइन में मेल है, ये ग्रीन वाले भी सारे जो है स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूटूथ है माशाल्लाह, और स्लेटी में भी है, इसमें मिस्टी में भी है जो स्प्लिट ऑफलाइन में मेल पड़े हैं, इसमें चंद एक पीस जो है मेरे वो फर्स्ट क्लास के हैं जो मैंने अपने लिए रोके जबरदस्त। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितना ब्लू और ग्रीन है वो सारा ब्लू टू है। ये जो ऊपर वाला फ्लाइट का पहला खाना है इसमें जितना ब्लू बर्ड है या ग्रीन बर्ड है चाहे वो ऑफलाइन में हो सिंपल में हो सारा ब्लू टू है, और आपके ये ब्रीडर पीसेज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा ब्लू टू है और ये ब्रीडर है माशाल्लाह। जी अल्लाह जी फहीम भाई, ये पार्टीशन नंबर 2 में ये कौन कौन से बर्ड हैं? ये आप साथ इसमें जो ब्लू और ग्रीन है वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू टू हैं, इसमें ऑफलाइन में ब्लू टू की फीमेल्स हैं सारी जबरदस्त, और स्प्लिट ऑफलाइन में मेल हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तकरीबन इसमें 21 पीस इसमें पड़े हुए हैं ब्लू टू के ना माशाल्लाह, कन्फर्म ब्लू टू स्प्लिट ऑफलाइन में भी हैं और ऑफलाइन में भी बेहतरीन। और ये सारे भाईजान DNA पीसेज हैं? ये सारे जेनेटिकली मेल फीमेल हैं जबरदस्त। और भाईजान इनके जो है
एज क्या है इनकी? इनकी ये अब सब कुछ इसमें 6.5 महीने के पीस हैं और 4.5 महीने के पीस भी हैं, 4.5 से 6.5 महीने के पीस हैं। ज़बरदस्त, यानी कि आपके पास इतना ब्लूटूथ है, आपने हर म्यूटेशन में ब्लूटूथ घुसा दी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी। फहीम भाई ये माशाल्लाह आप काफ़ी बर्ड तो सोल्ड आउट कर चुके हैं, तो ये जो 30-35 बर्ड है क्या ये अवेलेबल हैं? जी आप साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पीस जो है ना वो सेल हो चुके हैं जी, और ये पीस अवेलेबल है मेरे पास माशाल्लाह। इसमें ग्रीन और ब्लू सीरीज़ में जितने भी हैं ब्लूटूथ हैं, और जितने पार ब्लू हैं वो स्लेटी में भी हैं और मिट्टी में भी हैं, स्प्लिट और प्लाइन में पीस हैं, ज़बरदस्त फीमेल्स भी हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। सही, तो अगेन यानी कि कोई भी नया फ्रेंचाइज या कोई भी भाई आसान पेयरिंग करना चाहता है पेल सलो के साथ ब्लूटूथ आपका लगाए तो पेल सलो के ब्लूटूथ हासिल करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो देखिए ब्लूटूथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो आप किसी के साथ भी पेयर अप करें तो आपको वो बहुत अच्छी ब्रीड देगा इंशाल्लाह, और पार ब्लू के साथ करेंगे तो नेक्स्ट आप आसानी से ब्लूटूथ ऊपर से हासिल कर लेंगे। ऐसे ही है, और पेल सलो में चले जाएँ ब्लूटूथ को लेकर, डिल्यूट में चले जाएँ, डन में चले जाए, यानी कि आपके पास ब्लूटूथ आ गया है तो आपने खुद आगे वर्किंग में लेके जाना है जहाँ भी लेना चाहें। हाँ जी, वो ये जो ये स्टेप ये मुश्किल था, बाकी आगे आप जिसमें मर्जी इसको ले जाएँ अल्हम्दुलिल्लाह चले जाए। और सर ये एक पेयर मुझे केला नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताएं। ये अब साहब मैंने पार ब्लू पेल फेलो पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और वायलेट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है, ये पेयर अप के लिए मैंने एक पेयर लगाया था जी, तो इसलिए ये अल्हम्दुलिल्लाह पेयर बन गया माशाल्लाह। फील वगैरह हो रहा था नेक्स्ट वर्किंग के लिए ऑफलाइन पेल फेलो की वर्किंग के लिए ना ये आप तैयार कर। हाँ जी, तो बाकी जैसा कि सीज़न आउट है इसलिए वो सारे बर्ड्स जो हैं वो कॉलोनी केज में छोड़े हुए हैं जी। माशाल्लाह आपकी ये जो फ्लाइट है इसका क्या साइज़ है? इसका सब 2.5-8 है। ज़बरदस्त, 3 पोर्शन वाली। हाँ जी 3 पोर्शन। और इस साइड पे मुझे वो एक लूनी और नज़र आ रही है, उसके बारे में बताएं। ये अब सब मेरी फोस्टर फौज है जी, इसमें क्या क्या है कौन कौन? इसमें कॉमन लटिनो है सारा। ज़बरदस्त, ये आपके ब्रीडर पेयर है या चिक है? ये मैंने अब सब ये मेरे ना अभी मैंने तैयार करवाए हैं। सही, यानी कि इस सीज़न आप पोस्टिंग करेंगे इससे? हाँ जी इंशाल्लाह माशाल्लाह। और इस फ्लाइट का क्या साइज़ है आपके तकरीबन? ये 10 फुट फ्रंट है इसका जी, और 3.5 फीट ऊंचाई है और 3 फुट गहराई है इसकी। ज़बरदस्त जी। व्यूअर्स कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको हमारी वीडियो और भाई के ब्लूटूथ वॉचिंग कैसी लगी। बाकी जो भाई इनसे बाइंग करना चाहे डिस्क्रिप्शन पे भी नंबर मौजूद है, और ये भाई स्क्रीन पे भी बोल देते हैं सर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन और प्राइस और अपना सेल फोन बता दें। सर मेरी लोकेशन सारा कॉलोनी कॉलेज रोड सन्नापार में जी, और मेरा सेल नंबर 03000231415 है, और दूसरा मेरा नंबर 03076027707। ज़बरदस्त, बाकी जिन भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाज़र होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।